हेलो एवरीवन, आई एम रवीना। वेलकम टू माय चैनल रवीनास डेस्क। आज की जो रेसिपी है वो काले चने बनाने की रेसिपी है। हम अक्सर काले चने बनाते हैं, कभी भी व्रत हो या त्यौहार हो, काले चने पूड़ी, काले चने चावल ये बनाए जाते हैं। तो आज मैं आपसे ग्रेवी वाला तरीका जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए ये काले चने लिए हैं। तो इस तरह के जो सूखे काले चने आते हैं, इन्हें आपको अच्छे से पानी से धो करके रात को 8 से 10 घंटे के लिए भिगो के रखना है, और नेक्स्ट मॉर्निंग इन्हें प्रेशर कुकर में डाल के 6 से 7 सीटियाँ ले लेनी है, जिससे ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे जब आप उन्हें फिंगर में प्रेस करेंगे इस तरह से। तो ये प्रोसेस तो हम करते ही हैं जब भी हम चने बनाते हैं, तो यहाँ तक का करना है। इसके बाद हमें कढ़ाई के अंदर तेल ले लेना है। तो 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं तेल ले रही हूँ। थोड़ा सा तेल मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। तेल गरम हो जाए तब इसमें डाल दें थोड़ा सा हींग, जीरा, जीरे को अच्छे से भूनने दें। उसके बाद इसमें डालें तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 काली मिर्ची और 1 से 2 लौंग। खड़े मसालों में मैंने यही डाले हैं, आप चाहें तो और खड़े मसाले, हरी इलायची, दालचीनी वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इन्हें भून लेंगे और इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे टमाटर की प्यूरी को। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर को मिक्सर में डाल के बिल्कुल पेस्ट बना लिया है, उसका प्यूरी कर ली है, उसके बाद इसमें डाला है। और अब हमें इसे अच्छे से कुक होना देना है, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जो है वो जल्दी पक जाते हैं। तो बीच बीच में इसे चलाने का ध्यान रखें, ढक्कन ढक करके इसे आप पका सकते हैं, नहीं तो कढ़ाई में ये चिपकने लग जाएगा अगर आप इसे चलाएंगे नहीं तो। तो थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और ढक्कन लगा करके इसे कुक होने देते हैं। और काले चने जब आप बॉईल करें तो उसमें आप चाहें तो थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा मीठा सोडा डाल करके भी उसे बॉईल कर सकते हैं, प्रेशर कुक कर सकते हैं। पर मैंने इसे प्लेन ही किया है, सिर्फ नमक डाल के, मीठा सोडा नहीं डाला है। हो जाते हैं 6 से 7 या 7 से 8 विसल लगती है उन्हें प्रेशर कुक होने में। तो ये देखिए हमारे टमाटर अच्छे से हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, छोले मसाले का जो पाउडर आता है पैकेट में एवरेस्ट ब्रांड का, वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चना मसाला अगर मिलता है तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और लाल मिर्ची भी मैंने इसमें थोड़ी सी डाली है, और इसको अच्छे से भून लेंगे मसालों को हम यहाँ पर। और छोले मसाले जो हैं आप बाद में भी इसमें चाहें तो और ऐड कर सकते हैं, चना मसाला, छोले मसाला, जो भी मसाला आप यहाँ डालें। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप गर्म मसाले का यूज़ भी कर सकते हैं। और थोड़े से चने को मैंने इस तरह से कूट लिया है, बिल्कुल उन्हें चम्मच से दबा दिया है। आप चाहें तो इन्हें मिक्सर में डाल करके बिल्कुल थोड़ा प्यूरी करके पेस्ट बना करके भी इसमें आप उसका डाल सकते हैं। ये क्या होगा, हमारी जो सब्जी है उसे थोड़ा सा थिकनेस देने का काम करेगा। और इस तरह से सब्जी बनाते हैं तो वो थोड़ी सी ड्राई कम लगती है, थोड़ी सी लिक्विडी हो जाती है, तो वो ईजी रहती है खाने में भी। और इन्हें भी अच्छे से भून लें, उसके बाद इसमें जितना चाहिए आपको पानी आप यहाँ डाल सकते हैं। तो प्रेशर कुक करते वक्त ध्यान रखें कि चने में अगर आपको सब्जी में ज़्यादा पानी की ज़रूरत है तो आप उसमें प्रेशर कुकर में पानी ज़्यादा ऐड करें, नहीं तो आप नॉर्मल पानी ही डालें, जितना पानी की जिसमें चने जो हैं आपके डूब जाएँ पानी के अंदर, उतना पानी आप डाल के प्रेशर कुक करें, नहीं तो उस पानी को आपको यूज़ नहीं कर पाएंगे। और उस पानी को यूज़ करने का भी मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। उस पानी को आप थोड़ा सा घी रखें, उसमें थोड़ा सा जीरा डालें और उसके अंदर वो पानी डाल करके, नमक डाल के आप उसे पी सकते हैं। बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बहुत हेल्दी भी होता है, तो उसे आप फेंकें नहीं, इस तरह से आप पी लें। और सब्जी बनके तो तैयार हो ही गई है, अब इसमें हम नमक डाल देंगे स्वादानुसार। और इसे अगर और ज़्यादा लिक्विडी करनी है तो और पानी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये बराबर रस्से वाली सब्जी है। और इसे आप गर्मा गर्म पूड़ी के साथ, चावल के साथ, कैसे भी इसे सर्व कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।